तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया। इसे कहा जा रहा कि गौ तस्करी पर लगाम लगेगी, तो वहीं गौ संवर्धन भी होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में गोकशी अब बड़ा अपराध। गौ तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं, गाय को मारा तो पुलिस घर से उठा लेगी। महाराष्ट्र में गाय को लेकर शिंदे सरकार ऐसा फैसला लेकर आई है जिसने गौ तस्करी करने वालों के पसीने छुड़ा दिए। शिंदे सरकार ने एक आदेश जारी करके फैसला किया है कि महाराष्ट्र में अब गाय को राज्य माता घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस आदेश को जारी करने के साथ साथ देसी गायों के चारे और उनके पालन के लिए अनुदान भी घोषित किया है। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से जहां गाय को राज्य माता का दर्जा मिल गया, वहीं इस आदेश से लोगों का गोपालन की तरफ रुझान भी बढ़ेगा और राज्य सरकार गौकशी और गौ तस्करी के मामले में पहले से ज्यादा चौकन्नी रहेगी। मतलब साफ है कि जो लोग अब तक महाराष्ट्र में गौ तस्करी करके अपनी दुकान चला रहे थे, अब उनकी दुकानें बंद हो जाएगी और अगर किसी ने चोरी छिपे गौ तस्करी करने की साजिश की तो महाराष्ट्र पुलिस उसे सख्त सजा दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में अगली खबर रामपुर से है। दरअसल रामपुर में 25 दिन से फरार एक शख्स जिसे पुलिस ने धर दबोचा है और आरोप उस पर बहुत संगीन थे, एक नाबालिग छात्रा से अपहरण और रेप का आरोप। दरअसल ये शख्स वहां के सांसद का बेहद करीबी है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिख रहा मोस्ट वांटेड शख्स कोई आम शख्स नहीं है, ये विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। राजनीति में गहरी पैठ वाला एक निजी अस्पताल का मालिक है। इन संबंधों और पैसों का इस्तेमाल वो लोगों की सेवा करने में नहीं बल्कि गलत काम करने में करता है। इसका नाम साजिद अली पाशा है जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। पाशा पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके अपहरण करने का आरोप है, लेकिन फिर भी आपको उसके चेहरे पर ना तो कोई शिकन दिखाई देगी और ना ही अपराध का भाव। अपहरण के खुलासे के बाद से ही पाशा फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, उससे जुड़े लोगों से पूछताछ भी कर रही थी। पुलिस को शक था कि उसने नाबालिग लड़की को उत्तराखंड में छिपा रखा था। इस बीच मामले में कोर्ट ने आरोपी की संपत्ति की मुनादी के आदेश दिए, जिसके बाद कार्रवाई के डर से पाशा पुलिस के सामने पहुँच गया। 1/9/2024 को थाना सुहार में एक अस्पताल संचालक द्वारा एक बालिका के साथ जो नाबालिग थी उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। इस घटना के आधार पर थाना सुहार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जो अब हॉस्पिटल संचालक था वो लगातार फरार चल रहा था, उस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई थी। आज उस अस्पताल संचालक को थाना सुहार की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अब ये तस्वीरें देखिए जहां पाशा के गुर्गे मीडिया के कर्मियों के साथ अभद्रता करते नजर आ रहे हैं। ये बताता है कि पाशा की तरह ही उसके गुर्गों को भी पुलिस का कोई खौफ नहीं था। हालांकि अब साजिद अली पाशा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि वो अब पुलिस की गिरफ्त में है, जहां पुलिस उसे कोर्ट में सबूतों के साथ पेश करेगी, जिसके बाद उसे उसकी गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राम और राम मंदिर के बिना विपक्षी राजनीति नहीं चलती। सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो निशाने पर आ गए तमाम नेताओं की। राम मंदिर के बिना विपक्ष कोई बात नहीं करता, मंच चाहे कोई भी हो, मुद्दा राम मंदिर का होता है विपक्ष के सामने। लेकिन शायद सीएम योगी आदित्यनाथ को राहुल गांधी का बयान रास नहीं आया, तभी तो उन्होंने राहुल गांधी को रोम की संस्कृति से जोड़ दिया और दोनों का फर्क साफ साफ बता दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
वही व्यक्ति होगा जो रोम की संस्कृति पर विश्वास करता होगा। हिंदुत्व की ध्वजा को थामने वालों में योगी पहली लाइन में खड़े होते हैं। सनातन का नाम हो या भगवान श्री राम का काम हो, योगी हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन राम पर राजनीति करने कोई आए और उलझुल बोले तो योगी से बुरा कोई नहीं होता। राहुल ने वही गलती कर दी तो बाबा भड़क गए। जो राम का नहीं हमारे किसी काम का नहीं। राहुल किस काम के हैं, अपनी पार्टी के उद्धार के लिए या संहार के लिए? यह सवाल इसीलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि भगवान राम हिंदुस्तान ही नहीं समूची सृष्टि के आराध्य हैं। उनके जन्म स्थान अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सनातन परंपरा के मुताबिक आयोजन हुए, लेकिन राहुल को उसमें नाच गाना दिखने लगा। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। राहुल के मुंह से जिस दिन से अपमान के ये शब्द निकले थे तब से ही योगी क्रोधाग्नि में जल रहे थे। तभी तो हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान भरे मंच से योगी ने राहुल को राम बनाम रोम की संस्कृति का अंतर समझा दिया। ये रोम की संस्कृति को मानने वाले लोग आज राम की संस्कृति को उसको कोसने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। योगी यही नहीं रुके, श्री राम के दरबार में नाच गाना वाले राहुल के बेतुके बयान पर उल्टा पोल खोल कर रख दी। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। सियासत की बात खानदान तक जा पहुंची है। योगी ने कांग्रेसियों की तुलना रावण के खानदान से कर दी। छोटे छोटे बच्चे कोई राम के वेशभूषा में, कोई लक्ष्मण की, कोई माता सीता की, कोई हनुमान जी के, ये सबके वेशभूषा में, कोई गुरु वशिष्ठ के वेशभूषा में, लेकिन कोई रावण के वेशभूषा में नहीं था। लगता है आपने तय कर लिया कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। रावण और राम के नाम पर ये सियासी घमासान आखिर कब तक चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों सोचिए क्या हो जब आपकी जेब में 500 का एक नोट रखा हो लेकिन उस नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह किसी अभिनेता की फोटो लगी हो। दरअसल एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर 500 के नोट पर अभिनेता अनुपम खेर की फोटो जो है वो लगी हुई थी। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नकल में भी अकल चाहिए, आपने ये सुना होगा, लेकिन वो अकल उन ठगों के पास नहीं थी जो ये कारनामा करके गए हैं। शायद नौसिखिए होंगे तभी तो उन्हें महात्मा गांधी और अनुपम खेर में भी अंतर नहीं पता था। इस नोट को आप ध्यान से देखिए, एक बार फिर देखिए तो, कसम से अगर गांधी जी जिंदा होते और इस तस्वीर को देख लेते तो पहले तो अपना सिर पकड़ते, फिर खूब ठहाके लगाकर हंसने लगते, कहते कि इन लोगों के लिए देश आजाद कराया था। अब गांधी जयंती से ठीक पहले ये मामला सुर्खियों में है, लेकिन ये मुद्दा है क्या? वैसे तो ये मामला अजब ठगों के गजब कारनामे का है, पर सीधे शब्दों में आपको समझा देते हैं। दरअसल हुआ यूं कि गुजरात के अहमदाबाद के सराफा बाजार में करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी हुई है और इसका ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हुआ यूं कि यहाँ पर कुछ ठगों ने एक ज्वेलरी शॉप पर फर्जीवाड़ा किया। वो लोग ज्वेलर से 2100 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। बदले में ज्वेलर को 1,90,00,000 रुपए के जाली नोट थमा दिए। अब नकली नोटों पर गांधी जी की तस्वीर नहीं लगी थी बल्कि नोटों पर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर का फोटो लगा हुआ था और नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं लिखा था बल्कि उसकी जगह लिखा था रिसोल बैंक ऑफ इंडिया। जब ज्वेलर ने ये नोट देखे तो अपना माथा पकड़ लिया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी। टेबल पर 1,30,00,000 रुपया रखे और बोला कि 30,00,000 रुपया कम है, मैं बाजू के ऑफिस में लेके आ जाता हूँ। जैसे भी उन्होंने रेपर खोला उसमें नोट गलत डुप्लीकेट निकली थी। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तब तो कोई आदमी था नहीं। हमने नोट जमा करा दी नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में और पुलिस ने जो नोट खोली उसमें से अनुपम खेर वाली नोट आई। हमको ऐसा अनुपम खेर वाली नोट थी वो मालूम नहीं था, हमने जो नोट खोली थी वो डुप्लीकेट थी।
अहमदाबाद पुलिस ने 500 रुपए के ऐसे हजारों नोट जब्त किए हैं। सोचे नोटों के बंडल रखे हैं, लेकिन तस्वीर महात्मा गांधी की नहीं अनुपम खेर की है। मतलब नकल करने वालों ने भी कुछ भी अकल नहीं लगाई। जब ये खबर अनुपम खेर के पास पहुंची, तो देखिए वो खुद भी हैरान रह गए और पोस्ट कर लिखा, लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है अगर ऐसे बेखौफ के साथ बेवकूफ ठग होंगे तो। ज्वेलर भी तो चकमा खा गए, सोचा होगा लाखों का सोना बेच लेंगे, लेकिन उल्टा चपत लग गई। हालांकि अब गुजरात पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। जो आदमी जो चेहरे में दिखता था, ऐसा सीसीटीवी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस से ये ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद आरोपी को ढूंढने की कोशिश में टीम बनाई गई है। नवरंगपुरा पुलिस इंस्पेक्टर डबल ए देसाई इस